एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर कोई इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पावर 600 वाट है, राइजेज द टेम्परेचर ऑफ 4 किलोग्राम, और जिसका पावर इतना है वो 4 किलोग्राम के लिक्विड को, 4 किलोग्राम के लिक्विड को फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर क्या कर रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज कर दे रहा है और 100 सेकेंड के अंदर। कैलकुलेट करना है हीट कैपेसिटी, कैलकुलेट क्या करना है उसका उसका कि हीट कैपेसिटी, अच्छा उसका हीट कैपेसिटी कितना गया है लिक्विड का 4 किलोग्राम, हीट कैपेसिटी ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ लिक्विड और क्या है एंड स्पेसिफिक हीट इतना इतना गिवन है, तो कैलकुलेट क्या करना है इसमें। अच्छा कैलकुलेट ये है, ये हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, सॉरी हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है और 4 किलोग्राम उसका मास गिवन है, 4 किलोग्राम ऑफ लिक्विड उसका मास गिवन है ये, ठीक। तो चलो कर लेते हैं, तो हीट कैपेसिटी सी डैश होता है, तो हीट कैपेसिटी सी इज इक्वल टू होता है एम इंटू सी इंटू क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको देखो मास मालूम है और स्पेसिफिक हीट भी नहीं मालूम है हमको, ये भी नहीं मालूम है, अच्छा चलो यहाँ से काम बन सकता है यहाँ से, तो सी डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। और ये देखो अगर मैं आपको लिखूं फार्मूला तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, और वर्क जो वर्क होता है वही हीट एनर्जी के टर्म में स्टोर होता है, तो वर्क क्यू में चेंज हो जाएगा यानी हीट में और टी, तो अब यहाँ से क्यू इज इक्वल टू पी इंटू टी हो जाएगा। और पावर कितना गिवन है 600 और टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है हमारा, टाइम गिवन है 100 सेकेंड, कितना गिवन है 100 सेकेंड है ये, तो ये 100 हो गया, तो Q इज इक्वल टू कितना आया 6 × 10⁴ जूल आ गया, ठीक है। तो Q की वैल्यू 6 × 10⁴ जूल और डेल्टी की वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगी यहाँ पर, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टी इज इक्वल टू T2 − T1 हो जाएगा, तो चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 केल्विन आ जाएगा, तो 5 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं और ये 6 है, तो डिवाइड करोगे तो सी डैश इज इक्वल टू, तो ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 × 5 = 1.5 × 10 हो जाएगा, और 10⁴ कितना हो जाएगा जी 10⁴ केल्विन हो जाएगा, केल्विन नहीं मतलब यहाँ से देखो मास का मतलब किलोग्राम हो जाएगा और स्पेसिफिक हीट का मतलब जूल अपॉन किलोग्राम और केल्विन, जूल ये कैंसिल हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 1.2 × 10⁴ जूल अपॉन केल्विन आ जाएगा। इसकी यूनिट स्पेसिफिक हीट हमको मिल गई, जो फर्स्ट वाला पार्ट था स्पेसिफिक हीट हमको मिल गई, ठीक है। चलो अब सेकंड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये तो हीट कैपेसिटी मिली, सॉरी ये हीट कैपेसिटी, मैंने स्पेसिफिक हीट बोल दिया होगा, हीट कैपेसिटी है ये बेटा, हीट कैपेसिटी का ये फॉर्मूला लगाया था। अब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो सी डैश इज इक्वल टू एम इंटू सी होता है, एम इंटू सी होता है, तो सी डैश की वैल्यू तो 1.2 × 10⁴ है और मास इसका कितना है 4 किलोग्राम है, तो 4 रख दिया और सी ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं इसको, ये इस सी को। तो अब यहाँ से C इज इक्वल टू 1.2 × 10⁴ अपॉन ये 4 इसके अपॉन में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 0.3 × 10⁴ इतना आ जाने वाला है। और यूनिट अगर हम इसका लिखेंगे तो यूनिट इसका क्या लिखने वाले हैं जूल अपॉन किलोग्राम केल्विन, और या इसको 3 × 10³ भी लिख सकते हैं, यहाँ से एक 10 निकाल कर इसे मल्टीप्लाई किया इसका डेसिमल गायब हो जाएगा और यहाँ जूल अपॉन केल्विन बचेगा, ठीक है बेटे।